हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ पार्टी स्टफ। सो फ्रेंड्स, मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग और मजेदार गेम फॉर वैलेंटाइंस पार्टी। ये बहुत इंटरेस्टिंग और इजी गेम है, जिसमें आपको क्या करना है, आपको इस तरह की एक शीट अरेंज कर बनानी है, जिसमें आपको वैलेंटाइन के सारे डेज लिखने हैं, रोज डे से लेके वैलेंटाइंस डे तक। रोज डे, प्रपोज डे, और उसके बाद चॉकलेट डे, टैडी डे, प्रॉमिस डे, हग डे, किस डे और वैलेंटाइंस डे। आपको इनको सीरीज में नहीं लिखना है, रैंडमली कहीं पे भी लिखना है। ओके फ्रेंड्स, और उसके बाद आपको हर मेंबर को वन बाय वन कॉल करना है और उन्हें आपने देना है इसमें हाफ मिनट का टाइम। ओके, और उन्हें क्या करना है, इन पैक ऑफ कार्ड्स में से जो भी नंबर जिस पे भी आता है उसे इस पे प्लेस करना है। लाइक रोज डे आता है 7 को, तो इस पे इनको रखना है 7। फिर उसके बाद प्रपोज डे 8, तो उसको भी यहाँ रखना है इनको 8 का कार्ड। बट इसमें एक ट्विस्ट है कि उन्हें इसमें से फाइंड करना है सिर्फ हर्ट वाले कार्ड्स। ओके, तो हर्ट वाला कार्ड ही इन्हें फाइंड करके इस पे प्लेस करना है। तो इसमें आप 1 मिनट का टाइम भी ले सकते हैं, हाफ मिनट का टाइम भी ले सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग इसमें कर सकते हैं। ये गेम अभी फिलहाल मैं आपको 1 मिनट के अकॉर्डिंग खेल के बताती हूँ, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। एज माई टाइम स्टार्ट्स नाउ, तो मुझे फाइंड करने हैं हर्ट वाले कार्ड्स। 6, 9, 7, 3, 9, 4, 9। तो 9 को क्या होता है, 9 का होता है हमारा चॉकलेट डे, यहाँ रखेंगे हम इसको। ओके, उसके बाद मुझे फाइंड करने हैं 13 को होता है हमारा किस डे, हमें सिर्फ हर्ट्स वाले। 8 को होता है प्रॉमिस डे, 5 को कुछ नहीं होता, 11 को होता है हग डे, नहीं 11 को होता है हमारा ये 12 को होता है टैडी डे, नहीं प्रॉमिस डे। ओके, उसके बाद ओ टाइम अप। तो फ्रेंड्स, मैं टाइम इज अप, तो अब आप देख सकते हैं मैंने कितने सेट किए हैं, 1, 2, 3 और 4। तो मेरा स्कोर होगा इस तरह से, इसको काउंट करेंगे हम 11, और इसको टोटल हम काउंट कर लेंगे और उस वो हमारा स्कोर होगा। लाइक 13 और ये 17, 13 और 17 हमारे हो गए 30, और ये 11, 41। तो मेरा स्कोर होगा 41, या फिर आप उन्हें इस तरह से भी दे सकते हैं 1, 2, 3, 4, अपने अकॉर्डिंग आप इसमें रख सकते हैं। और अगर आपको इसमें हाफ 1 मिनट का टाइम ज्यादा लग रहा है तो आप इसमें हाफ मिनट का टाइम भी रख सकते हैं, या फिर इसमें आप 2 पैक ऑफ कार्ड्स रख सकते हैं। और आप इसमें एक ट्विस्ट और भी डाल सकते हैं कि जितने भी कार्ड्स हैं, जितने भी नंबर्स है, लाइक 8 इसमें 4 होता है हर्ट का, स्पेड का, और कोई मींस जो जितने भी होते हैं हमारे 4, तो सारे के सारे 8 यहाँ रखने हैं, सारे के सारे 9 यहाँ रखने हैं। तो टोटल मतलब जितने भी 9 होंगे उतने सारे 9 रखने हैं, जितने भी 13 होंगे वो 13 रखने हैं। इससे आपकी गेम में आप इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट लेके आ सकते हो कि ये गेम थोड़ी सी लॉन्ग हो जाएगी और इसमें प्लेयर्स के स्कोर्स के नंबर्स थोड़े से ऊपर नीचे हो जाएंगे, जिसमें आपको विनर को कैलकुलेट करना बहुत इजी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस गेम एंड यू कैन शेयर दिस गेम विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय एंड कीप स्माइलिंग।